Welcome students, and now we discuss about the kinematics, second chapter of kinematics. Dimension आपका हो चुका है, dimensions की मदद से question करना, dimension के straight away question करना और MCQ questions में dimension की मदद से अपने questions को कैसे specify कर लेना. बहुत से ऐसे question जो otherwise शायद आपको ना भी आते हो, लेकिन dimension की मदद से आप उनको कर सकते हो. इस बारे में हमने पिछले वीडियोस में चर्चा कर ली. अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स के वीडियो की. काइनेमेटिक्स क्या है? देखिए, डायनेमिक्स हम कहते हैं जिस समय आप फोर्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो फोर्स की वजह से जो चीजें आती हैं उसमें डायनेमिक्स आएगा. लेकिन फोर्स से पहले मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनकी ही जो इक्वेशन तीन आप स्टडी करते हैं उनमें काइनेमेटिक्स ही कहा जाएगा. अब काइनेमेटिक्स में क्या है, दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जो यूजुअली हम पढ़ते हैं. अपने को पता होना चाहिए, एक हमारे पास होती है वन डायमेंशन, दूसरा है टू डायमेंशन मोशन. वन डायमेंशन मोशन के ऊपर यूजुअली हमने ये तीन इक्वेशंस पढ़ी होती हैं, v equals to u plus a t, s is equal to u t plus half a t square, and v square is equal to u square plus 2 a s. ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों इक्वेशन का कंबाइंड नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो ये तीनों में से कोई भी इक्वेशन नहीं लग सकती. तो ध्यान रखिएगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन लग सकती है. इसके अतिरिक्त एक इक्वेशन आपके पास और आती है, आपको पता है एस एनथ की, विच इज यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन. ये डिस्टेंस इन एनथ सेकेंड की इक्वेशन है. इसके अतिरिक्त आपको एक इक्वेशन और बताऊं जो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कितनी चीजें हैं इक्वेशंस में काइनेमेटिक्स में. यू है, वी है, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज और पांच चीज, माने यू वी ए टी एस, टोटल पांच चीजें हैं. हमारी ये सारी इक्वेशन एक को छोड़ के बाकी चार को कनेक्ट करती हैं. पहली इक्वेशन में देखिए डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दूसरे में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तीसरे में टाइम नहीं है, चौथे में इसमें फिर से वी नहीं है, इस वाली में यू नहीं है. पांच चीजें थी, पांचों में एक एक चीज को उड़ा दीजिए, बाकी चार चार के रिलेशन इस प्रकार से हमारे बनते हैं. तो ये हमारी इक्वेशंस हैं, लेकिन इनको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है. यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी क्या पहचान? देखिए, जिस समय उसको थोड़ा डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो. यहां पर कुछ शब्दों को ध्यान दें. जिस समय आपसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन कई बार स्टार्ट्स, अ बॉडी स्टार्ट्स, तो याद रखिएगा स्टार्ट्स का मतलब यू इक्वल्स टू जीरो. स्टार्ट का मतलब जहां पर इक्वेशन में आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में स्टार्ट लिख दिया बॉडी स्टार्ट्स, इसका सीधा सा मतलब है यू इक्वल टू जीरो. बाकी सब चीज आप देखिएगा. फिर कभी कभी होगा बॉडी स्टॉप्स आफ्टर सो मच टाइम, आफ्टर सो मच डिस्टेंस. स्टॉप्स कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, स्टॉप्स का मतलब हमारे पास आ गया v इक्वल्स टू जीरो. ठीक, स्टार्ट और स्टॉप के बारे में ये टेक्निकल टर्म. अब दूसरी बात जिसको आपने फिर ध्यान देना है, अगर बॉडी को कहीं पर कहा जाए, नॉर्मली ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो ग्रेविटी के क्वेश्चन में यूज होगा, जो बॉडी ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, उस केस में अगर कहीं पर वर्ड हमारे पास आएगा बॉडी इज ड्रॉप्ड, बॉडी ड्रॉप्स मतलब यू जीरो है.
अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताऊं, कई बार क्या होगा, बॉडी ने जमीन को टच किया, बॉडी ने जमीन को टच किया और उसकी वेलोसिटी पूछ ली गई, जमीन को टच किया उसकी वेलोसिटी पूछ ली गई। तो कई लोगों के दिमाग में आता है सर बॉडी तो टच कर ही गई है, उसकी वेलोसिटी फाइनल तो जीरो होगी। परंतु मैं आपको यहां क्लियर करूं, व्हेन वी से बॉडी टचेस द ग्राउंड व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट वी मीन इज जस्ट अबाउट टू टच, मतलब उसको टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या, जस्ट पहले। तो इसको हमेशा माइंड में याद रखें। अब इन चीजों का इस्तेमाल करके आपने इन इक्वेशंस का प्रयोग करना है, जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है उस केस में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है। अब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की भी बेसिक चीज जान लीजिए कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई डी टी, और एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई डी टी। थोड़े से हाई माने जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जेई के लेवल तक घुसेंगे या कभी कभी नीट के हायर क्वेश्चन में, उस समय आपको एक्सेलरेशन v और t की टर्म में नहीं है, मान लीजिए v और s की टर्म में है। तो देखिए इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज dv बाय ds इंटू ds बाय dt। ये क्या है ds बाय dt, यहां देख सकते हैं हम, ये क्या है वेलोसिटी, मतलब इसको हम लोग v dv बाय ds भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास हम इस मेथड को इस्तेमाल करें तो इससे सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे वही आएंगे जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी। आप इसकी थोड़ी हम पहचान समझ लें कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं है, उसकी पहचान। देखिए अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में, मैंने इसको एस लिखते सॉरी, एस की वैल्यू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दी गई है, तो ये मेरे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में टी स्क्वायर से बड़ी क्वांटिटी नहीं है, टी है टी स्क्वायर है, जरूरी नहीं टी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टी स्क्वायर से बड़ी क्वांटिटी नहीं है। टी स्क्वायर से बड़ी का मतलब टी क्यूब वगैरह नहीं है। अगर यहीं पर मैंने आपको टी क्यूब दे दिया या टी फोर दे दिया, तो ये इसको जब तक ये है, ये क्वांटिटी जब तक है, इसके साथ कुछ कोएफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये क्वांटिटी है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब यही चीज वेलोसिटी में देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास पी प्लस क्यू टी आ गया, माने टी टर्म तक है, जहां तक मेरे पास टी टर्म तक है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। जहां पर इसमें आपके पास आर टी स्क्वायर आ गया, ये क्वांटिटी टी स्क्वायर, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं रहा। फिर याद करूं, डिस्प्लेसमेंट में टी क्यूब नहीं होना चाहिए और वेलोसिटी में टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज हमारी जो बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, उसमें आप ये काम पूरा कर सकते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर ये मैंने पहले बता दिया डॉग वगैरह में क्या होगा, अब इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से क्या क्वेश्चन में फर्क आता है ये समझिए। मान लीजिए एक बॉडी कुछ रास्ता ट्रेवल करती है, सपोजिंग बॉडी यहां से ट्रेवल करा ए से बी, बी से सी और सी से डी, इस हिस्से की एक्सेलरेशन ए वन है, इसकी एक्सेलरेशन ए टू है, इसकी एक्सेलरेशन ए थ्री है। तो इसमें ए से बी, लेकिन कहा क्या गया है, ए और बी के बीच में एक्सेलरेशन ए वन है वो कांस्टेंट है, बी और सी के बीच में ए टू है परंतु कांस्टेंट है, और सी और डी के बीच में ए थ्री है परंतु कांस्टेंट है, ठीक। तब क्या होगा, ए बी जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी फाइनल ऑफ ए बी विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी सी, एंड वेलोसिटी फाइनल ऑफ बी सी विल बी इनिशियल ऑफ सी डी। माने यहां से यहां आया, जो इस जर्नी की फाइनल वेलोसिटी है वो इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी है, जो इसकी फाइनल है वो इसकी इनिशियल है।
तो ये हमारा तरीका आप माइंड में याद रखिएगा, जहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन नहीं है। ठीक, ये है वन डायमेंशन मोशन की अंदर मेनली समझने वाली चीजें। आपको इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करना आना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, थोड़ा बहुत ग्राफिकल मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। ग्राफ्स का रोल वो आपको पता होना चाहिए, फिर हम उसके बाद अगले स्थिति में आएंगे टू डायमेंशन में। सो मोशन इन वन डायमेंशन के लिए आज के लिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। दिस वॉज बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन। थैंक यू।